आध्यात्मिक विकास के लिए। उपवास शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के साधन के रूप में उपवास का महत्व हर धर्म में बताया गया है। हिंदू धर्म में पूरे वर्ष के दौरान अनेक पवित्र अवसरों पर उपवास करने की अनुशंसा की गई है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि उपवास आत्मा को परमात्मा के निकट लाने का एक माध्यम है। उपवास शब्द का अर्थ ही है उप यानी निकट, धन वास यानी निवास, अर्थात परमात्मा के निकट रहना। यह भी माना जाता है कि शरीर और मन के विकारों को नष्ट करने में उपवास अनेक तरह से प्रभाव डालता है। इस्लाम धर्म में रमजान के पवित्र महीने में रोजा यानी उपवास रखने का विधान है और इसे धर्म के 5 स्तंभों में से एक माना गया है। इस दौरान मुसलमान लोग 30 दिनों तक सुबह से शाम तक खान पान से परहेज रखते हैं। ईसाई धर्म में भी उपवास के बारे में कहा गया है कि यह ईश्वर के साथ एक गहन अंतरंगता है। अनेक ईसाई बंधु सप्ताह में एकाध दिनों का और खास तौर पर लेंट के 40 दिनों में उपवास के आध्यात्मिक नियम का पालन करते हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के अनुयायी भी साल के विभिन्न दिनों में विभिन्न अवधियों के लिए उपवास रखते हैं। सभी धर्मों की यह सामान्य मान्यता है कि उपवास के अनगिनत शारीरिक एवं आध्यात्मिक लाभ हैं। बहाई धर्म में, जो कि दुनिया का सबसे नया धर्म है, 2 मार्च से 20 मार्च की एक 19 दिवसीय अवधि के लिए उपवास रखने की आज्ञा दी गई है। बहाई धर्मानुयायी सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच खान पान से परहेज करते हैं और इस दौरान स्वयं को प्रार्थनाओं और पवित्र लेखों के पाठ में विशेष रूप से तल्लीन रखते हैं। बहाउल्लाह ने लिखा है, ईश्वर का धर्म आकाश की तरह है, उपवास इसका सूर्य है और अनिवार्य प्रार्थना इसका चंद्रमा, ये धर्म के स्तंभ हैं। उन्होंने आगे बढ़कर कहा है, जो कोई भी उनका पालन करने से चूक जाता है, वह ईश्वर की दृष्टि में न कभी स्वीकार रहा है न रहेगा। हालांकि बाहरी तौर पर उपवास कठिन और श्रम साध्य है, किंतु भीतर से यह एक उदार कृपा है, प्रशांति है। बहाउल्लाह, बाहाई उपवास 15 से लेकर 70 वर्ष तक के सभी बहाइयों पर लागू है, लेकिन जो इससे अधिक उम्र के हैं, बीमार या शारीरिक रूप से अशक्त हैं, या जो कठिन श्रम का काम करते हैं, जो 9 घंटे से अधिक लंबी यात्रा पर निकले हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, इन सबको उपवास में छूट दी गई है। उपवास का विधान स्वस्थ एवं तंदुरुस्त लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। जो बीमार या दुर्बल हैं, उनके लिए यह नियम कभी लागू था ना अब लागू है। बहाउल्लाह उपवास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अब्दुल बहा लिखते हैं, उपवास और अनिवार्य प्रार्थना परमात्मा के पवित्र विधान के 2 सुदृढ़ स्तंभ हैं। इनकी अपेक्षा करने की कदापि अनुमति नहीं है। उपवास के आध्यात्मिक लाभों के बारे में चर्चा करते हुए अब्दुल बहा कहते हैं, भौतिक उपवास आध्यात्मिक उपवास का प्रतीक है। यह आत्मा को सभी स्वार्थपूर्ण लालसाओं से मुक्त करने, आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने, सर्वदयालु परमात्मा की मृदुल बयारों की ओर आकर्षित करने और दिव्य प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करने की दिशा में ले जाता है। उपवास व्यक्ति के आध्यात्मिक पद को उच्च बनाने का हेतु है। यह वह समय है जब हमें अपने तन मन आत्मा और जीवन की
सभी अपूर्णताओं से मुक्त करने और जो कुछ भी ईश्वर से संबंधित नहीं है उससे बचने और उन सद्गुणों को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए जो ईश्वर की दृष्टि में महान है।